फ्रेंड एक बार फिर से स्वागत है आप सभी साथियों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ और हमारी यही कामना है कि आप और आप सब परिवार स्वस्थ रहें और नए वर्ष का अच्छे से इंजॉयमेंट करें फ्रेंड्स कल थर्टी फर्स्ट दिसंबर था और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिसंबर ट्वेंटी वन का डिक्लेयर हुआ यानी कि हम डीए का एक एक्सपेक्टेड एक कैलकुलेशन कर सकते हैं और जैसा कि आपको भी पता है कि फरवरी ट्वेंटी टू से हमारे डी ए रेट चेंज होने हैं यानी कि सर्विंग एम्प्लाई के भी और पेंशनर के भी क्योंकि सर्विंग एम्प्लाई को पिछले तीन महीने का डी ए बढ़ा हुआ मिल चुका है यानी कि नवंबर से उनका लागू हो चुका है जो नवंबर दिसंबर जनवरी ट्वेंटी टू तक रहेगा लेकिन फरवरी से सर्विंग एम्प्लाई का भी और हमारे पेंशनर का भी डी ए चेंज होना है यानी नया डी ए रेट आना है जैसा कि थर्टी दिसंबर को जो सी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नवंबर माह का डिक्लेयर हुआ है वो पॉइंट एट जीरो एज़ पर रिवाइज बेस ईयर बढ़ हो गया है यानी कि अक्टूबर में वन ट्वेंटी फोर फोर पॉइंट नाइन जीरो था वो वन फाइव पॉइंट सेवन जीरो हो गया अगर आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन तीन महीनों का सी पी आई इंडेक्स की जरूरत पड़ती है हमारे सर्विंग एम्प्लाई के डी रेट कैलकुलेट करने के लिए तो अक्टूबर वन ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन जीरो नवम्बर वन ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन जीरो और दिसंबर का अगले माह में डिक्लेयर होगा हम ये मान के चलते हैं इजम्शन करते हैं कि देयर इज एन इंक्रीज ऑफ पॉइंट नाइन फाइव पर्स पॉइंट्स पर्स इन दिसंबर ट्वेंटी वन और अकॉर्डिंगली दिसंबर का 126.65 ये प्रजमसन या एजम्पन मान सकते हैं और उसके आधार पे ये कैलकुलेशन हमने किया है तो फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड ये फॉर सर्विंग एम्प्लाई फ्रॉम फेबर एट द रेट ऑफ 33.53 परसेंट होगा एट प्रेजेंट 30.38 परसेंट है सो देयर इज ए नेट इंक्रीज ऑफ एट थ्री परसेंट और इस इंक्रीज के साथ आपका डी ये एक्सपेक्टेड है कि जो हमने एग्जम्पन किया है वो संभवतः ऐसा ही होना चाहिए पेंशनर एक्सपेक्टेड डी ए 22 ट्वेंटी जुलाई ट्वेंटी टू विल बी कैलकुलेटेड हियर ऑन द बेसिस ऑफ सी पी आई रिलीज एंड एक्जशन ऑफ सी पी आई टू बी रिलीज फॉर द मंथर ट्वेंटी फॉर बैंक्स बैंकर्स इन नवंबर ट्वेंटी थर्टी सेवन लेट प्लस कंपिटिशन ऑफ द एक्सपेक्टेड डी ऑन द बेसिस ऑफ सी पी आई रेस टू बी रिलीज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर ट्वेंटी वन इसमें नवंबर तक का डिक्लेयर हो गया है दिसंबर के लिए हमने ऑन एजम्शन ऑफ एन इंक्रीज ऑफ पॉइंट नाइन फाइव पॉइंट्स इन दिसंबर ट्वेंटी वन कीपिंग व्यू ऑन गोइंग रेगुलर राइजिंग प्राइस ऑफ कम्युनिटी रिक्वायर्ड डेली नीड्स आइटम कम्युनिटीज विच इज़ मेकिंग मंथ ओवर मंथ डिफिकल्ट टू विथ फॉलिंग इंटरेस्ट इनकम ऑफ द पेंशनर ऑन द डिपॉजिट्स आन दिस एजम्पन ऑफ सी पी आई द एक्सपेक्टेडिव इंक्रीज डी एस वुड बी एट्टी टू स्लैब्स फ्राम द फेवर ट्वेंटी टू सोलह सौ अंठानवे जो हमारा जुलाई से लेकर दिसंबर तक के उसमें एक्सपेक्टेशन में था वो सोलह सौ अंठानवे था अब सत्रह सौ पचास यानी एट्टी टू स्लेब्स की इंक्रीज के आधार पर हमने ये कैलकुलेशन किया है और

Expected DA two hundred point three point seven zero percent at present rate is one ninety-one point four zero percent. Net increase there is a twelve point three zero percent. Expected DA of the bank retirees retired between first November twelve to thirty-first October 2017. Expected rate is ninety-five point seven zero percent, present rate is 87.50% there is a net increase of 8.20% accordingly the retired person after first number 17 the present rate is 27.79% or expected rate is 33.53% and there is a net increase of at the rate of 5.74%

आप स्वस्थ रहें अच्छे से रहें इस कामना के साथ फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ नए वीडियो में थैंक यू फ्रेंड्स